अवेयरनेस जो है दैट इज की टू सक्सेस। अगर है तो ये बड़ी जबरदस्त बात है, और अगर नहीं है तो इस पे एम्फसाइज करना चाहिए। गुज़श्ता 4 माह में हमारी आउटरीच बहुत जबरदस्त रही। अवेयरनेस बहुत जरूरी है। किस तरह से हमारे काम जो हम कर रहे हैं पब्लिक रिलीफ के, फौरी और सस्ता इंसाफ मुहैया कर रहे हैं, वो लोगों तक कैसे पहुंचेगा? इसमें एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है एफटीओ ऑर्गेनाइजेशन का कि एक एफटीओ टीवी स्टार्ट किया जिसमें हम बैठे हुए हैं। हमारा टीवी है, हमारी एनुअल रिपोर्ट है, हमारे सेमिनार्स हैं, ये बहुत जबरदस्त है। सुजुकी मोटर वाले केस में एक बहुत बड़ा पब्लिक रिलीफ ऑर्डर हुआ एफटीओ साहब के सेक्रेटेरिएट से, तो उसमें जिन लोगों को रिलीफ मिला उन्होंने अपने व्यूज एक्सप्रेस किए एफटीओ टीवी पे। उनका ये कहना था कि हम कभी सोच नहीं सकते थे कि पाकिस्तान में कोई ऐसा इदारा भी मौजूद है जो हमें एक मैसेज पे हमें ये रिलीफ प्रोवाइड कर देगा। जो टैक्स बार है और जो डिस्ट्रिक्ट बार है, इनका बड़ा क्लीदी रोल है, तो हमारी जो आउटरीच इनके साथ है उसके बारे में भी थोड़ा सा हमें अप्राइज करें। मैंने उनको सजेस्ट किया कि आप अपनी बार में एक कमेटी बनाए फॉर इंटरेक्शन विद द फेडरल टैक्स ओम्बड्समैन, जो कि उन्होंने बना दिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू एफटीओ टीवी। कहा जाता है कि अवेयरनेस जो है दैट इज की टू सक्सेस। अगर है तो ये बड़ी जबरदस्त बात है, और अगर नहीं है तो इस पे एम्फसाइज करना चाहिए, फोकस करना चाहिए। हमारे यहाँ फेडरल टैक्स ओम्बड्समैन के दायरे में पिछले चंद माह में अवेयरनेस पे बहुत ज़बरदस्त काम किया गया, और जब से फेडरल टैक्स ओम्बड्समैन जनाब डॉक्टर आसिफ महमूद जा साहब ने चार्ज संभाला, तो उनका एक फोकस ये था कि हम जो ज़बरदस्त काम कर रहे हैं और ये इदारा जिसका मैंडेट बड़ा ज़बरदस्त है, जब तक लोगों को इसका पता नहीं चलेगा, इसके फैसलों का नहीं पता चलेगा, इसकी जुरिस्डिक्शन का अंदाज़ा नहीं होगा, लोग हमारे पास नहीं आएंगे, और जिस मकसद के लिए इस इदारे को बनाया गया शायद उसकी अफादियत कम होती जाए। लेकिन गुज़श्ता 4 माह में हमारी आउटरीच बहुत ज़बरदस्त रही, और इसको डिटेल में डिस्कस करने के लिए कि ये आउटरीच हमने कैसे की और फिर उसके रिजल्ट्स क्या निकले, हमारे साथ हमारे मीडिया एडवाइज़र और सीनियर एडवाइज़र इस्लामाबाद जनाब माजिद कुरैशी साहब मौजूद हैं। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। हमारी आउटरीच जो है, हम मुख्तलिफ़ अगर हवालों से देखें, BATR न्यूज़लेटर, हमारा वेब पेज है, हमारा टीवी है, हमारी एनुअल रिपोर्ट है, हमारे सेमिनार्स हैं, ये बहुत ज़बरदस्त है। टेल अस इन डिटेल अबाउट दिस इनिशिएटिव। थैंक यू वेरी मच अलमास साहब फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। आपने बिल्कुल सही कहा कि अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। किस तरह से हमारे काम जो हम कर रहे हैं पब्लिक रिलीफ के, हम टैक्स पेयर को जो रिलीफ प्रोवाइड कर रहे हैं, जो हम उनको फौरी और सस्ता इंसाफ मुहैया कर रहे हैं, वो लोगों तक कैसे पहुंचेगा? तो उसके लिए आजकल का जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है, तो इसमें एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है एफटीओ ऑर्गेनाइजेशन का कि एक एफटीओ टीवी स्टार्ट किया जिसपे हम बैठे हुए हैं, जिस पे हम इस वक्त बात कर रहे हैं, और इस पे हमारी कोशिश ये होती है कि हम लोगों को अपने एफटीओ की फंक्शनिंग के बारे में बताएं, रिलीफ इनिशिएटिव्स के बारे में बताएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा मैसेज पहुंचे और उनको ये पता चले कि जी एफटीओ का एक ऐसा इदारा मौजूद है जो हमारे मेल एडमिनिस्ट्रेशन के अगेंस्ट हमारी जो है वो दादरसी कर सकता है। ठीक है, तो इसमें एफटीओ साहब के या एफटीओ के ऑफिस के जो एडवाइज़र्स हैं उनके इंटरव्यूज़ तो होते ही हैं, लेकिन साथ ही हमारे जो बिज़नेस कोऑर्डिनेटर्स हैं, ऑनरेरी एडवाइज़र्स हैं, या हमारे एडवाइजरी कमेटी के मेंबर्स हैं उनके इंटरव्यूज़ भी, और जो हमारे टैक्स बार्स हैं उनके इंटरव्यूज़ भी हम इसके ऊपर पब्लिक अवेयरनेस के लिए रिकॉर्ड करते हैं, और उनके भी जिन लोगों को हमसे रिलीफ मिला होता है उनको भी हम लेके आते हैं ताकि उनकी बात भी लोगों तक पहुंचे। जिस तरह से पिछले दिनों ये सुजुकी मोटर वाले केस में एक बहुत बड़ा पब्लिक रिलीफ ऑर्डर हुआ एफटीओ साहब के सेक्रेटेरिएट से, तो उसमें जिन लोगों को रिलीफ मिला, अबाउट 9,000 पीपल गॉट रिलीफ फ्रॉम दैट ऑर्डर, तो वो उन्होंने अपने व्यूज़ एक्सप्रेस किए एफटीओ टीवी पे, और उनका ये कहना था कि हम कभी सोच नहीं सकते थे कि पाकिस्तान में कोई ऐसा इदारा भी मौजूद है जो हमें एक मैसेज पे या एक एप्लीकेशन पे हमें ये रिलीफ प्रोवाइड कर देगा,
उनको अपने जो एक्सेसिव एक्साइज टैक्स उनका डिडक्ट हुआ था वो उनको वापस मिल गया एंड दे वर सो हैप्पी। तो ये हमारे लिए, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक बहुत मैटर ऑफ प्राइड। अच्छा, सर जो सेमिनार्स हैं हमारे, जो हम मुख्तलिफ जगहों पे जाके लोगों को खुद जाके मिलती हैं, टेल अस बिट अबाउट दैट एक्टिविटी। ये जो है अवेयरनेस सेमिनार हम इसको कहें या आउटरीच सेशन कहें। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे एडवाइज़र्स या FTO साहब खुद किसी यूनिवर्सिटी में जाते हैं और वहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, पर्टिकुलरली जो मैनेजमेंट साइंसेस के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने प्रैक्टिकल लाइफ में आके आगे इकोनॉमी में, टैक्सेशन में या लीगल प्रोफेशन में काम करना है, उनको एड्रेस करते हैं तो उनकी अवेयरनेस होती है और फ्रॉम ए यंग एज वो लोग उनके जहन में ये चीज़ आती है कि ये एक ऐसा ऑफिस है, एक ऐसा इदारा है जहाँ पे पब्लिक को रिलीफ मिल सकता है। सिमिलरली अगर हम पिछले दिनों जैसे FTO साहब की उनकी यानी कि ये ख्वाहिश थी कि भाई हमारे तमाम एडवाइज़र जो हैं वो हर महीने 3 अवेयरनेस सेशंस करें, ठीक है, तो उस सिलसिले में मैंने एक अवेयरनेस सेशन जो है वो यूनिवर्सिटी में किया, नमल यूनिवर्सिटी में, मैनेजमेंट साइंसेज में जाके वहाँ उन स्टूडेंट से एड्रेस किया। इस तरह का एक सेशन जो है वो मैंने टैक्स बार के साथ किया, एक सेशन जो है वो मैंने मेडिकल डॉक्टर्स के साथ किया। अब ये डिफरेंट प्रोफेशंस हैं, एक क्रॉस सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, लेकिन ये सारे वो लोग हैं कि जो किसी न किसी तरह से टैक्स पेयर्स हैं या टैक्स पेयर्स के मैटर्स को हैंडल करते हैं। अगर स्टूडेंट्स खुद टैक्स पेयर्स नहीं हैं तो उनके पेरेंट्स टैक्स पेयर्स हैं और फ्यूचर में उन्होंने इस प्रोफेशन में आना है। तो ये एक FTO का मैसेज जो है ये हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाए। और इसी तरह जो बाकी एडवाइजर्स भी अपने अपने रीजन में हैं उन्होंने भी अपने आउटरीच सेशन किए। जी बिल्कुल, पूरे पाकिस्तान में जितने हमारे एडवाइज़र रीजनल एडवाइज़र्स हैं वो भी अपने अवेयरनेस सेशंस कर रहे हैं और फ्यूचर में ये ज़्यादा होगा, ये इंटरेक्शन जो है ना अब ये बढ़ रहा है क्योंकि ये जो हमारे FTO साहब डॉक्टर आसिफ जाह साहब हैं ये उनका इनिशिएटिव है और उनके ख्वाहिश के मुताबिक अब तमाम ये सब। मुझे ये बताएं कि जो टैक्स बार हैं और जो रेगुलर हाई कोर्ट की बार्स हैं और जो डिस्ट्रिक्ट बार्स हैं इनका बड़ा कलीदी रोल है। लोग बेसिकली चूंकि पता नहीं होता टेक्निकली और लीगल चीज़ों का नहीं पता होता तो हमेशा इनके पास जाते हैं, तो हमारी जो आउटरीच इनके साथ है उसके बारे में भी थोड़ा सा हमें अप्राइज करें। जी बिल्कुल, ये जो हमारी लेटेस्ट मेरी जो आउटरीच सेशन हुआ है वो टैक्स बार के साथ हुआ है, तो मैंने उनको सजेस्ट किया कि आप अपनी बार में एक कमेटी बनाएं, डेडिकेटेड कमेटी फॉर इंटरेक्शन विद द फेडरल टैक्स ओम्बड्समैन, जो कि उन्होंने बना दी है। अच्छा, दैट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव। जी, और उस कमेटी का फंक्शन ये होगा कि वो अपने एक तो जो उनके क्लाइंट्स हैं उनके उनको एजुकेट करेंगे FTO की फंक्शनिंग के बारे में और वो एनकरेज करेंगे उनको, क्योंकि जो आम टैक्स पेयर है उनको इस चीज़ का कम इल्म है कि भाई वो ये समझते हैं कि जिस तरह से बाकी हम अपील करते हैं कमिश्नर अपील के पास या एपेलेट ट्रिब्यूनल के पास, इसी तरह से ये भी एक एपेलेट फोरम है, जबकि ये उनको बताएंगे कि नहीं ये डिफरेंट है, ठीक है, इसमें आपको कोई फ़ी नहीं पे करनी पड़ती, इसमें आपका जो डिसीजन है वो इमीडिएटली होता है, मैक्सिमम 60 डेज, लेकिन 60 डेज से कम में हो सकता है, बाज़ दफ़ा 30 डेज में हो सकता है। अब तो हमारी एवरेज है वो 40-41 दिन पे आ गई, 40 डेज के अंदर हो सकता है और कॉस्ट फ्री है और वेरी प्रॉम्प्ट। तो उनको जब ये एजुकेट करेंगे तो हमारे पास ज़्यादा लोग आएंगे और उनको ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। हमारी एडवाइजरी कमेटी हैं जो मुख्तलिफ जो सेगमेंट ऑफ सोसाइटी है उसके लोग जो हैं उनको हमने शामिल किया ताकि वो हमें मशवरा दें और हम रेगुलर उनकी मीटिंग करते हैं। अभी जो रिसेंट एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग्स हुई हैं उसके बारे में भी थोड़ा सा हमें बताएं। जी, एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग लास्ट वीक इस्लामाबाद में हुई और फिर दूसरी एडवाइजरी कमेटी मीटिंग लाहौर में हुई। तो जो इस्लामाबाद में हुई उसमें हमारे ऑनरेरी एडवाइज़र्स जो कि करंट FTO साहब का इनिशिएटिव है अगेन कि बिज़नेस कम्युनिटी को हम इन्वॉल्व करें और हम बिज़नेस कोऑर्डिनेटर्स को ऑनरेरी एडवाइज़र बनाएं टू एक्ट एज ब्रिज बिटवीन बिज़नेस कम्युनिटी, टैक्स पेयर कम्युनिटी एंड द FTO सेक्रेटेरिएट। तो
वो जो ऑनररी एडवाइज़र्स आए उनकी जो इनपुट थी वो बहुत ज़बरदस्त थी। उसमें हमारे रावलपिंडी से जो हमारे ऑनररी एडवाइज़र हैं सुहेल अल्ताफ साहब हैं और इस्लामाबाद से शकील मुनीर साहब हैं, वो दोनों बहुत यानी जज्बे के साथ जो है ना आगे बढ़ चढ़ के हमारे साथ तआवुन कर रहे हैं कि वो बिज़नेस कम्युनिटी को लेके आते हैं या उनके मसाइल हमारे पास लेके आते हैं और हम उनके कहने पे, या वैसे तो हम काम कर ही रहे हैं लेकिन उसका फ़ायदा ये होगा कि भाई उनका काम और ज़्यादा आसान हो जाएगा। जो इनपुट यूजुअली मिलती है हमें एडवाइजरी कमेटी से, उसको क्या हम अपने तरीक़ाकार में इनकॉर्पोरेट करते हैं? जो FBR के लिए सजेशंस हैं वो हम रेगुलर वहाँ पर भिजवाते हैं? इस पूरे प्रोसेस के बारे में भी थोड़ा सा बताएं। उसमें यह है कि जो बिज़नेस कोऑर्डिनेटर के थ्रू हमें प्रपोजल्स या सजेशंस आती हैं, या उसके अलावा भी बिज़नेस कम्युनिटी या टैक्स पेयर्स हमें कोई सजेशंस देते हैं, तो हम यहाँ बैठ के इन हाउस उसको कंसीडर करते हैं। उसमें से कुछ जो हैं वो ऐसी होती हैं कि जिनकी हमें प्रपोजल फिर FBR को भेजना होती है, वो हम उनको भेजते हैं, और कुछ जो है वो हम यहाँ अपने जो वर्किंग है उसमें उनको डालते हैं। हमारी एनुअल रिपोर्ट जो है जिसमें पिछले पूरे साल का अहाता किया जाता है, तो पिछले साल की एनुअल रिपोर्ट जो है वो भी छप गई और प्रेजिडेंट साहब को फॉर्मली प्रजेंट की गई, और जो बाकी जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स और सेगमेंट ऑफ सोसाइटी के इंपॉर्टेंट लोग हैं वहाँ पर भी हमने डिस्ट्रीब्यूट की। बड़ा अच्छा रिस्पांस इन अ वे कि लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया। उसके अगर हॉलमार्क कुछ चीज़ें आप बताना चाहें कि क्या था, क्या हमने अचीव किया, हमारे क्रेडिट पे क्या चीज़ें थी? हमारी एनुअल रिपोर्ट अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा जो छपी है वो पिछली तमाम रिपोर्ट से बहुत ज़्यादा डिफरेंट थी। डिफरेंट इस तरह से थी कि इसका जो स्टैंडर्ड था और इसका जो फॉर्मेट था वो एक इंटरनेशनल लेवल पे था। जिसको भी ये रिपोर्ट हमने भेजी है, और तकरीबन 600 लोगों को ये हमने रिपोर्ट भेजी है, उनका फीडबैक्स आ रहे हैं, वो हमें बाकायदा लेटर भेज रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं कि किस तरह से आपने इसको इतना अट्रैक्टिव बनाया है कि लोग इसको पढ़ रहे हैं। वरना आम तौर पे जो एनुअल रिपोर्ट्स जाती हैं लोग उसको देखते हैं एक नज़र और फिर साइड पे रख देते हैं, लेकिन हमारी रिपोर्ट जो है वो उसको लोग पढ़ रहे हैं, दिल करता है उन्हें खोले पढ़े उसे, ठीक है। और फिर चूँकि उसमें जो जिस तरह का मटीरियल हमने शामिल किया है वो इंटरेस्टिंग है, लोग इस चीज़ को देखते हैं कि भाई कैसे FTO के इदारे ने लो पेड एडहॉक एम्प्लॉज़ को रिलीफ पहुंचाया, जिससे पूरे यानी एक ऑर्डर से पूरे पाकिस्तान में हज़ारों लोगों को फ़ायदा हुआ। तो वो कहते हैं कि अच्छा जी ये पढ़ें कैसे, ये क्या ऑर्डर था, या एक पाक सुजुकी के एक ऑर्डर से किस तरह से 9,000 लोगों को रिलीफ मिला, या वो कॉन्ट्रैक्ट मिला, या किस तरह से FTO साहब ने एक टेलीफोन कॉल पे एक ट्रैक्टर कंसाइनमेंट जो थी वो रिलीज़ करवा दी, या एक शाहकाम इंडस्ट्री की कंसाइनमेंट जो कि पोर्ट पे रुक गई थी किस तरह से FTO की इंटरवेंशन से चंद घंटों में रिलीज़ हो गई, जिससे पाकिस्तान को ना सिर्फ ये कि ज़र मुबादला मिला बल्कि पाकिस्तान की जो बाहर के मुल्कों में एक गुडविल है वो ख़राब होने से बच गई। तो लोग फिर इन चीज़ों को पढ़ते हैं और फिर अपना फीडबैक देते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं, आम रूटीन में पाकिस्तान का एक कल्चर है कि जब किसी इदारे में आप किसी बड़ी पोस्ट पे होते हैं, अगर हम कोर्ट्स के साथ कंपैरिजन करना शुरू कर दें ट्रिब्यूनल के साथ, तो जो ट्रिब्यूनल का हेड है या कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है या इवन आम जज है, उस तक आम बंदे की रसाई नामुमकिन सा काम है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, पाकिस्तान में सवाल ही नहीं पैदा होता। हमारे इदारे में जो हमारे FTO साहब हैं और जो हमारे एडवाइज़र्स हैं, इन तक पहुँचना कितना मुश्किल और आसान काम है, ये ज़रा बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह फेडरल टैक्स ओम्बड्समैन का एक ऐसा इदारा है कि जिसके दरवाजे हर किसी के लिए खुले हैं। ये मुहावरा तो नहीं कह रहे, प्रैक्टिकली ठीक है, और हर वक्त खुले हैं, ठीक है। यानी हर वक्त से क्या मुराद है? हर वक्त से मुराद ये है कि अगर ऑफिस टाइम के बाद भी कोई हमें राबता करेगा, हाँ, और अपनी कोई शिकायत बताएगा तो उसके ऊपर अमल करेंगे, लाइक ईमेल करेगा या व्हाट्सएप पे ईमेल करेगा, व्हाट्सएप करेगा, SMS करेगा। तो जिस तरह से अभी मैंने दो केसेस का जिक्र किया कि शाहकाम इंडस्ट्री है, तो ये छुट्टी वाले दिन FTO साहब को टेलीफोन के ऊपर ये कंप्लेंट आई, और FTO साहब ने छुट्टी वाले दिन कराची में बैठे हुए अपने एडवाइज़र को टेलीफोन किया कि जी आप इमीडिएटली इसके ऊपर एक्शन लें, और उन्होंने बावजूद इसके कि वहाँ पे
कस्टम डिपार्टमेंट में भी छुट्टी थी और एफटीओ ऑफिस में भी छुट्टी थी, उन्होंने कंसर्न कलेक्टर को कॉन्टेक्ट किया और उनका काम उसी दिन हो गया। ठीक है, तो ये एक यानी इनफॉर्मल रेजोल्यूशन की मिसाल है। एफटीओ साहब का ये है कि रिलीफ देना है किसी भी सूरत में मिले तो ये, और फिर ये है कि जिस तरह से हम बताते रहते हैं अपने व्यूअर्स को कि आप हमें कंप्लेंट करने के लिए आपके पास, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास कोई एक्सपर्ट हो, आपके पास कोई फॉर्म हो, आपके पास कोई प्रोसीजर हो, आप उसके मुताबिक जो है अपने कंप्लेंट फाइल करें। आप एक सिंपल प्लेन पेपर के ऊपर दो लाइनें लिख के हमें भेज दें, हम आपकी जो है ना वो एंटरटेन करेंगे, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेट करेंगे, उसके ऊपर एक्ट। अच्छा अच्छा, एक मुझे बताएं, जनरली ओम्बड्समैन का इदारे जो पाकिस्तान में बाकी भी हैं, कहा जाता है रिकमेंडेशंस हैं, अमल नहीं होता, ये शिकायत है। आप वो इंश्योरेंस के ओम्बड्समैन से, बैंकिंग ओम्बड्समैन है, बाकी सारे, हमारे यहाँ पे कंप्लाइंस कैसी है, अमल दरामद का क्या सिलसिला है, उसके बारे में बताएं। ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि अगर कंप्लाइंस ना हो तो फिर हमारे रिकमेंडेशंस की कोई वैल्यू नहीं रह जाती। ठीक है, इसलिए हम ये ज़रूरी समझते हैं कि भाई हमारे जो रिकमेंडेशंस हैं, एफटीओ साहब के जो ऑर्डर्स हैं, उनकी कंप्लाइंस हो, और वो हम अपने ऑर्डर में मेंशन कर देते हैं कि भाई इसमें इन रिकमेंडेशंस की इम्प्लीमेंटेशन 30 डेज में या 40 डेज में करके हमें रिपोर्ट दी जाए। और कई दफ़ा उनकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो ड्यू डेट से पहले हो जाती है, कुछ जो है वो ऑन टाइम कर देते हैं, कुछ उसमें डिले हो जाते हैं, उसके कुछ डिफरेंट रीज़न हो सकते हैं, लेकिन जनरली हमारे जो ऑर्डर्स हैं, हमारे जो रिकमेंडेशंस हैं, उनका कंप्लायंस रेट जो है वो 88% है। अच्छा, दैट्स वेरी हाई। 88% हमारे जो रिकमेंडेशंस हैं वो इम्प्लीमेंट हो जाते हैं। अभी इस सिलसिले में मैं आपको बताऊं कि रिसेंटली एक ऑर्डर किया ओन मोशन एफटीओ साहब ने, खुद ही उन्होंने, यानी कोई कंप्लेंट नहीं थी उनके पास, लेकिन उन्होंने ये कहीं से ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन उन्होंने एक ओन मोशन ऑर्डर किया, जिसमें ये था कि एफबीआर के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो प्राइवेट प्रैक्टिस में इंडल्ज कर रहे हैं। अब ये एक बहुत यानी एफबीआर के लिए नुकसानदेह चीज़ है कि इसके अपने मुलाजमीन जो है वो प्रैक्टिस कर रहे हों, टैक्स पेयर के वो रिटर्न्स बना रहे हों, उनके केसेस कर रहे हों, इसमें रेवेन्यू लीकेज बहुत ज़्यादा है, और इसमें जो डिसिप्लिन है उनकी फील्ड फोर्स का वो बहुत ज़्यादा ख़त्म हो जाता है, और ये अगेंस्ट द रूल्स है, एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन रूल्स के मुताबिक ये अलाउड नहीं है कि गवर्नमेंट सर्वेंट्स जो है वो प्राइवेट प्रैक्टिस करें या बिजनेस करें। अगर वो ऐसा करते हैं तो उनको प्रॉपर परमिशन लेने पड़ती है गवर्नमेंट से, और उसमें देखा जाता है कि कोई उसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो, यानी अगर कोई टैक्स का एम्प्लॉई टैक्स की प्रैक्टिस नहीं कर सकता, वो कोई और प्रैक्टिस करे, कोई और काम करे, तो शायद वो विद परमिशन उसको इजाज़त मिल जाए। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर वो सहाफत करना चाहता है, कॉलम लिखना चाहता है, बुक्स लिखना चाहता है, टीवी के ऊपर कोई वो करना चाहता है, तो वो कर सकता है, लेकिन अगर टैक्स एम्प्लॉई जो है वो टैक्स की प्रैक्टिस नहीं कर सकता, तो एफटीओ साहब ने एक ऑर्डर किया और चेयरमैन साहब ने उसके ऊपर, चेयरमैन एफबीआर ने उसको इम्प्लीमेंट किया इमीडिएटली, और उसका एक ऑर्डर किया, अब पूरे अपनी फील्ड फोर्स को इंस्ट्रक्शंस दी कि जी ये अगर कोई कर रहे हैं तो इमीडिएटली उसको स्टॉप कर दें, और ना सिर्फ ये बल्कि विद इन अ वीक उसमें एक एम्प्लॉई को उन्होंने सर्विस से डिसमिस कर दिया। डिसमिस भी कर दिया, लोगों को पता चलना शुरू हो गया कि करेंगे तो ये होगा। अच्छा, मुझे ये बताएं, अब एफबीआर से जो मामला, चूंकि हम डील करती हैं, मेल एडमिनिस्ट्रेशन है, कंडक्ट ठीक नहीं, फला, हर ऑर्गेनाइजेशन का एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है, हमारे यहाँ पर भी है, जहाँ कहीं भी हम देखें कि अच्छी और बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो है हमेशा अपना कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो बनाती है। डोंट यू थिंक कि एफबीआर को ये करने की ज़रूरत है, जहाँ पे हम टाइम एंड अगेन मेल एडमिनिस्ट्रेशन, आप 3,000-5,000 केसेस हैं, इसका मतलब है 5,000 मरतबा आपने कोड ऑफ कंडक्ट का ब्रीच की है, डोंट दे नीड टू हैव देयर ओन कोड ऑफ कंडक्ट? व्हाई नॉट, बिल्कुल करना चाहिए। और देखिए, कोई ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उतने तक इफेक्टिवली काम नहीं कर सकती जब तक वो अपने कोड ऑफ कंडक्ट ना बनाए, और कोड ऑफ कॉन्डक्ट्स बनाने के बाद उनके ऊपर वो अमल ना करें। ठीक है, जिस तरह से हमारे एफटीओ में हमारा जो वैल्यूज़ हैं, हमारे जो कोड है, वो ये है कि भाई हमने इमीडिएट एक्शन लेना है और प्रॉम्प्टली हमने जस्टिस डिलीवर करना है, एट द डोर स्टेप ऑफ द कंप्लेनेंट करना है, और
कॉस्ट फ्री करना है। अगर टैक्स पेयर को हम बार बार यहाँ पे हेयरिंग के लिए बुलाएंगे और उनको जो है ना आना पड़ेगा हेयरिंग के लिए, उसकी कॉस्ट इन्वॉल्व हो जाएगी, टाइम लगेगा, उनका पैसा लगेगा, तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम एक हेयरिंग में उनको रिलीफ प्रोवाइड कर दें। कोई टैक्स पेयर या कंप्लेनेंट अगर हमारे पास नहीं आ सकता तो हम टेलीफोन पे उसकी हेयरिंग कर लेते हैं, व्हाट्सएप कॉल पे हम कर लेते हैं। तो एफबीआर के भी वैल्यूज़ बनी हुई हैं, और मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा एफबीआर के तमाम ऑफिसर से और उनके स्टाफ से कि वो उन वैल्यूज़ को देखें और उन वैल्यूज़ को पढ़ें। दे नीड टू रिमाइंड देमसेल्व्स, द ऑफिसर्स नीड टू रिमाइंड देयर एम्प्लॉयज़ के वैल्यूज़ हैं एफबीआर की, ट्रांसपेरेंसी है उसमें, रिस्पॉन्सिवनेस है उसमें, इंटेग्रिटी है। तो अगर वो उस उन कोड ऑफ कॉन्डक्ट्स के मुताबिक, उन एफबीआर की कोर वैल्यूज़ के मुताबिक काम करेंगे तो लोगों को उनसे शिकायत नहीं होंगी। अगर शिकायत हो रही हैं और शिकायत ज़्यादा हो रही हैं तो इसका मतलब ये है कि दे आर नॉट फॉलोइंग देयर कोर वैल्यूज़ एंड कोड ऑफ कॉन्डक्ट। बहुत शुक्रिया भाई साहब, से हमने एक अपडेट लिया, एक रीकैप था कि हमने पिछले चंद माह में क्या हुआ, और ख़ास तौर पे जो हमारा आउटरीच का इनिशिएटिव है, जहाँ पे हम ये चाहते हैं कि हमारा मैसेज, हमारा इनिशिएटिव जो है वो आम लोगों तक पहुँचे और टैक्स पेयर तक पहुँचे, ताकि आपके लिए आसानियाँ पैदा हों। और अगर किसी जगह पर आपके लिए मुश्किलात हैं, आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट किए जा रहे हैं, तो फिर हमारा इदारा बढ़ चढ़ के आपकी मदद के लिए हमेशा मौजूद है। Thank you very much. Thank you.